Hi, so once again I'm back. Happy and blessed day to all of you. So, guys, any guesses from your side? Here I am exactly today. So, friend, आज मैं जिस लोकेशन में हूँ, टाइम पे हूँ, दिस कॉल कैपिटल ऑफ राजस्थान, पिंक सिटी जयपुर। एंड जिस लोकेशन पे मैं हूँ इसे पानी चौक बोलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 13 to 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम एयरपोर्ट। एंड रेलवे स्टेशन भी यहाँ से विदिन 2 किलोमीटर है। एंड दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जो विला जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, आई एम स्टेइंग हियर। And now I'm waiting for my breakfast and see, I'm liking that flute sound, music, जो सामने live हमें सुनने को मिल रहा है। And see the ambience, I'm also enjoying and liking this statue है, बिल्कुल royal feel आ रहा है। And this pleasant morning, जो view है, fresh air, fresh oxygen, morning time, और से म्यूजिक के साथ डिस्प्लीट म्यूजिक। सो आज मैं जयपुर को एक्सप्लोर करूंगा एंड आई एम हियर फॉर वन डे टूर। लेट्स सी, आई होप आई एम एंजॉयिंग एंड यू विल आल्सो गाइस एंजॉय विद मी, यू विल आल्सो। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हैं मेरे साथ, यू कैन सी इधर। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद इस टाइम कि जयपुर को एक्सप्लोर किया जाए और टाइम को यूटिलाइज करें, स्टार्ट करते हैं जयपुर पिंक सिटी से। ये बेसिकली पिंक सिटी के नाम से जयपुर जाना जाता है, ओल्ड जयपुर भी बोलते हैं इसे। सो दोनों साइड मार्केट है और एवरीवेयर यू कैन सी टेरिकोटा पिंक कलर यूज्ड है। एंड मोस्टली जैसे मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट है, दिल्ली में चांदनी चौक है, तो यहाँ पर भी आपको इस तरह की कंप्लीट पिंक सिटी के अंदर ये मार्केट मिलेंगे, शॉप्स हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है यहाँ पर, और यहीं से होते हुए मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाऊँगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सो ये पिंक सिटी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, इसलिए यहाँ पर बेसिकली शॉपिंग वगैरह के लिए आ सकते हैं, तो इस बेटर की मैं ऑटो से ही इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ और पिंक सिटी को देख रहा हूँ। ये जो सामने पिक है, ये मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जो आपको दिख रहा है दैट टावर, जो मीनार है, इज़राइल टावर। तो मैं उस साइड जा रहा हूँ और एक स्टोरी है एक्चुअली इसे पिंक सिटी क्यों बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट 1876 सेंचुरी की बात है, जो किंग सराय राम सिंह थे और उनके एक्चुअली जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनके जो सन एल्बर्ट, वो यहाँ पर विजिट करने आ रहे थे। तो जो किंग थे सराय राम सिंह, उन्होंने उनके हॉस्पिटैलिटी में वेलकम के लिए अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये पूरा सिटी उस टाइम पर इस कलर को हॉस्पिटैलिटी के ही उसमें मायने में समझा जाता था, इसलिए उन्होंने पूरी सिटी को पिंक कर दिया। एंड लेटर ऑन इसका एक लॉ पास कर दिया क्योंकि काफ़ी पावरफुल थे, तो ये यहाँ पर लॉ है कि इस एरिया में सिर्फ टेराकोटा पिंक या इसी कलर की ही चीज़ें रहेंगी। सो मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन आ चुकी है, ये रहा इज़राइल टावर। इसके अगर पिंक सिटी का व्यू देखना है तो ऑब्वियसली इज़राइल टावर से मुझे सजेस्ट किया है। यह तो लेट्स सी, ये इसकी हाइट है
इस तरह का व्यू दिखता है नीचे से, सो ब्यूटीफुल। और ये सामने पिंक सिटी है, इज द डैम ओनली और के थ्री पास नहीं है, दोनों साइड ये टावर का व्यू है। सो गुड़ अंदर जाने के लिए ऑलमोस्ट इट विल टेक 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है सेवन, और बहुत नैरो और कंजस्टेड है तो इस पर आप जा सकते हैं, एक साथ आना जाना नहीं हो सकता, वन टाइम एक ही आदमी ऊपर जा सकता है क्योंकि काफ़ी नैरो है और टाइम टेकन भी है क्योंकि हमें बहुत टावर के एकदम टॉप पे ही जाना है, वहाँ से हम इसका व्यू देख सकते हैं पिंक सिटी का। अगर एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी ऊपर जाते हुए, एंड थोड़ा सा टफ है, और ऊपर पहुंचने के बाद दिस द व्यू, वाओ सो ब्यूटीफुल एंड ऑसम। यहाँ से आप बोरे जयपुर सिटी एंड दिस पिंक सिटी का भी व्यू देख सकते हैं, पूरे जयपुर सिटी का व्यू। सो सेफ्टी पर्पज से ग्रिल्स लगी हुई है एंड बट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम ऊपर रह सकते हैं टावर से व्यू, तो जस्ट हम व्यू देख करके ग्रिल्स देख के यहाँ से जा सकते हैं। बहुत साथ और भी टूरिस्ट ऊपर आ रहे हैं और नीचे काफ़ी सारे क्यू में हैं जिन्हें ऊपर आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम यहाँ पर मिल रहा है इस व्यू को देखने के लिए, तो सेल्फी टाइम एकदम क्लिक। और ये जिस तरह का इसका आर्किटेक्ट है जो बनाया है, ऑलमोस्ट आप बहुत सारे पैलेस देख सकते हैं, बिल्कुल ओल्ड आर्किटेक्ट है, बिल्कुल वैसा रॉयल। सो दिस टाइम कि यहाँ से वापस जाए, जाते हुए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितने आते हुए हो रही थी, एंड आई थिंक होपफुली हम कम टाइम में नीचे पहुँच जाएंगे। और यहाँ के बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा 1 किलोमीटर के अंदर वही है चक्कर मतलब। सो आई वाज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम हियर और नेक्स्ट डेस्टिनेशन चक्कर मतलब। So, my next destination पर पहुंच चुका हूँ चंदन मंदिर। यहाँ पर बेसिकली आके चीजें देख सकते हैं, साइंटिफिकली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बन सके जिनसे चीजें हो सके। बेसिकली दिस प्लेस आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स और रिसर्च के पर्पज से सही है, और हिस्ट्री में जो ज्यादा इंटरेस्ट है तो आ सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली लॉट से कि बोर तो हो जाओ, बोर नहीं होंगे बट डेफिनेटली बहुत चीज़ें यहाँ देखने का और इतना अधिक एक्सप्लोर करना बहुत टफ हो जाएगा जिनको चीज़ें सकते खुद के। राजा सवाई राम सिंह थे, इन्होंने बनाए थे, तो उनमें से एक प्लेस जयपुर में भी है। ऑब्वियसली दिल्ली के बारे में तो काफ़ी लोग जानते ही हैं, पर जयपुर में भी ऑलमोस्ट ये उनका बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को, इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर है इन्हें व्यू देख रहा हूँ, पर ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन तो मैं अभी यहाँ दे नहीं पाऊँगा क्योंकि इनके हाथ से पापा से और पूरा देने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। बट यस, साइंटिफिकली देखा जाए तो उस टाइम पर भी बहुत एडवांस थे उस टाइम के अकॉर्डिंग, और इससे बहुत चीज़ें
हमें पता चल जाती थी जो कि हमारे एटमॉस्फेयर हाथ से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड। And I'm liking all this. Really, I'm enjoying. सो काफ़ी घूमने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर वन डे के टूर पर हूँ, तो चीज़ें यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, समझने के लिए, बट आई थिंक मेरे लिए इतना काफ़ी है। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आके चीज़ें और डीपली मेरा समझने की कोशिश करूँगा, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक यहाँ से मैं मूव करूँगा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है हवा महल। So guys, so I have reached here. ये है एक पैलेस हवा महल जिसे बोलते हैं जयपुर। ये एंट्रेंस गेट है यहाँ से, एंड फर्स्ट लुक बाहर से देख करके तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगा, क्योंकि समझना थोड़ा टफ था। चारों ओर वॉल है और यू कैन सी दैट मॉन्कीज आल्सो। ये एक एंट्री गेट है, बट हमें यहाँ पर भी टिकट लेनी पड़ेगी। और ये टेंपल है साथ में, ये टेंपल नहीं है एक्चुअली, ये लोग ट्रेडिशनल चीजें यहाँ पर सेल कर रहे हैं, बहुत चीजें जो राजस्थान का ट्रेडिशन शो करता है वो चीजें आप ले सकते हैं, अपैरल्स जो भी हैं। So, मुझे यहाँ पर टिकट लेनी पड़ेगी, देन फिर हम इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये रहा सामने एंट्री गेट, यहाँ भी क्राउड है, बट इस पैंडेमिक में कोविड की वजह से इतना क्राउड है नहीं, बट यस, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पर आए। ये है हवा महल, इसके बारे में इसके डिटेल इंफॉर्मेशन है, एंड दिस द एंट्री गेट। मेरा टिकट मेरे पास आ चुका है, नाउ विल मूव टुवर्ड इनसाइड। ये रहा चारों ओर से इसका व्यू किस तरह से बना है। ये हम अंदर आ चुके हैं और एंट्रेंस गेट, एक गेट हमने क्रॉस करके ये अभी हम सेंटर में है, जो कि एक तरह से हवा महल के सेंटर में है ग्राउंड फ्लोर। और एक फाउंटेन है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पर बनता है, बट ये हमेशा नहीं रहता है। बट आई एम प्लानिंग कि हम इसके फ्लोर है फोर्थ फ्लोर तक है, तो उस पर जाते रहेंगे और देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ, लेट्स सी। हवा महल आई थॉट कि एक बहुत बड़ा पैलेस और काफ़ी कुछ होगा लग्जरियस, बट ऐसा है नहीं यहाँ पर। बेसिकली हवा महल का यही है कि यहाँ पर बहुत सारे दो खिड़कियाँ जो है, इसलिए इसको हवा महल बोला गया है। और हर फ्लोर पर आपको सिर्फ विंडोज ही मिलेंगे। इसका एक रीज़न ये था कि जो नीचे यहाँ पर दिख रहा है स्टेज दिख रही है, अभी इसमें फंक्शन होगा ट्रेडिशनल, क्योंकि हमने आप पासिस वगैरह ले सकते हैं, तो आप उनका व्यू और इसे भी इंजॉय कर सकते हैं। सॉन्ग जो भी वो होगा ट्रेडिशनल, ये स्टार्ट हो रहा है इनका, तो उस टाइम पर भी जो राजा थे उनकी जितनी भी जो रानियां थी किंग,
वो सारे विंडोज से देख रहे थे और नीचे ही प्रोग्राम होता था इसी तरह। तो बेसिकली हवा महल का यही एक फीलिंग है कि जो भी इनका एंटरटेनमेंट या फंक्शन वाला प्रोग्राम रहता है वो वहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। एक तरह से ओपन पैलेस है, सिर्फ विंडोज है, विंडोज पर बैठ के वो बाहर देख सकते थे। ये रॉ सेंटर जहाँ पर मैं था, अभी हम ऑलमोस्ट ये बस सेकेंड फ्लोर पर हूँ। ये सामने का व्यू है, इस तरह से दिखता है। अभी लेट्स सी, हम और ऊपर जाएंगे और अंदर से चीजें देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से है। ये फाउंटेन जो यहाँ पर वाटर फ्लो था वो अभी बंद करते हैं। ये हम टॉप की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से भी इसका व्यू देख सकते हैं जयपुर का इस पैलेस का। तो ये रास्ता है, ये भी बहुत नैरो है, अंदर से कुछ रूम ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिर्फ विंडो ही है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सी द व्यू एवरीवेयर, ये विंडो है जो बाहर से दिख रही है दोनों साइड, यहाँ से ये छोटे छोटे विंडो है जो कि अभी बंद कर रखे हैं सेफ्टी रीजन से। और जो ऊपर है यहाँ पर बहुत ही क्राउड है, तो वहाँ पर भी जगह जाने का नहीं है, वेरी नैरो है एंड कंजस्टेड है। तो एक बार में एक ही जा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, तो सिक्योरिटी उस हिसाब से बहुत देर तक ऊपर नहीं रहने दे रहे। आप जाके जस्ट व्यू देख सकते हैं, अपने पिक्स क्लिक करके कैप्चर करके वापस आना। सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड टॉप, और ये रहा हवा मंदिर। ये विंडो एवरीवेयर, और सो फाइनली ये रहा टॉप एंड दिस द व्यू, हाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ से पूरा जयपुर का भी व्यू आप देख सकते हैं। ये हवा महल के में टॉप पर, बहुत नैरो है बट रिस्की आल नॉट से, और एक टाइम पर अलाउ नहीं है ऊपर लोगों को एक साथ काफी ज्यादा। ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, ये इनका ट्रेडिशनल फंक्शन यहाँ पर हो रहा है। सॉन्ग्स क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आई एम रियली एंजॉयिंग कि जो फ्लो जा रहा है, जो म्यूजिक है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट वर्ड्स मुझे उनके समझ नहीं आ रहे। सो आफ्टर दिस यहाँ से निकलने के बाद एक और जगह है। Hi guys, Rilam. यहाँ पर भी जो राजा सवाई राम सिंह थे, उनके जो जितने भी फैमिली फेमस बच्चे जो है जयपुर का सालगिरह है, मींस मतलब आज के दिन जयपुर का नाम से रखा गया था, फ्री है आज के लोग सेलिब्रेट करते हैं इस डे को। तो मैं भी यहाँ पर था, लोग यहाँ पर आए तो ज़्यादा देर तक अलाउ नहीं करेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिशियंस वगैरह भी आए, उनका प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और जयपुर का नाम आज के दिन ही रखा गया था। और यहाँ पर लोग शूट्स वगैरह मूवी के लिए आते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। ऊपर अलशियोयू एक टेंपल है जो कि ऑलमोस्ट लाइक 2200 स्टेयर्स है, उसे चढ़ के जा सकते हो। गणेश टेंपल है, तो हम प्लानिंग के आज के लिए तो पॉसिबल नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम।
नाउ माय लास्ट इज इवनिंग टाइम हो चुका है, दिन का टाइम बहुत शॉर्ट है, तो यहाँ से आने के बाद जैन महल है और जैन महल में पहुँच तो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये है ये भी रिस्ट्रिक्शन से होता जाने तक सेंटर में है जैन महल, और तो वहाँ से जैसे व्यू देख सकते हो आस पास टॉप से ये लेक है, लेक के बीच में जैन महल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये राज है तो वहाँ अभी कोई भी नहीं जा सकते, बस हम दूर से देख सकते हैं, इवनिंग टाइम है, मे बी आई विल कम सम अदर डे, फिर विल एंजॉय बट गाइस टिल द टाइम टेक केयर, सी यू अगेन, सो फ्रेंड्स सी यू अगेन, इट्स टाइम टू से टेक केयर एंड नाइट हो चुकी है तो इवनिंग हो चुकी है, इट्स वेरी डार्क और जो जा रही है।